नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत त्यागी, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन पिटारा। भारत के गांव सीरीज के अंतर्गत अभी हम आपको लेकर आ गए हैं उखलीना विलेज में। ये उखलीना विलेज का मेन एंट्री पॉइंट है। यहाँ की कनेक्टिविटी हम आपको समझा देते हैं ग्लोबली ये कैसे कनेक्ट होता है। भारत देश के उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के अंदर रोहटा ब्लॉक है जिसके अंदर उखलीना विलेज आता है। ये थी ग्लोबल कनेक्टिविटी। इसके अलावा अगर मैं लोकल कनेक्टिविटी की बात करता हूँ तो लोकली गांव में तीन चार तरफ से आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं। मेन एंट्री पॉइंट ये है जहां पर हम खड़े हुए हैं। इसके अलावा आप टिमकिया कोठी जो कि बागपत रोड है, मैं उसकी आपको लोकल कनेक्टिविटी समझा देता हूँ। जब आप चलते हैं गाजियाबाद से मेरठ तो मुरादनगर आता है इन बिटवीन NH 34 पे। मुरादनगर से अपर गंगा कैनाल रोड होते हुए आते हैं आप जानी खुर्द पहुंचते हैं। जानी का जो ब्रिज है अपर गंगा कैनाल पे वो करीब 15 से 20 किलोमीटर के आसपास मुरादनगर अपर गंगा कैनाल से चल के आता है। अगर आप मेरठ की तरफ से चलते तो मेरठ बाईपास जो सुभारती वाली बाईपास है वहां से करीब आप चलते हैं 12 किलोमीटर तो पुल आता है जाने खुर्द का। वहां से टिमकिया कोठी होते हुए करीब 5 किलोमीटर चलते हैं तो आप यहां पे उखलीना आ जाते हैं। दूसरी तरफ आश्रम रोहटा से की तरफ से कनेक्टिविटी कर सकते हैं। रोहटा रोड जो मेरठ से आती है सीधे आप जानते हैं। इसके अलावा ये तीसरी कनेक्टिविटी है, आप पुरा की तरफ से आ सकते हैं बलैनी, तो बलैनी से भी इसकी कनेक्टिविटी हो सकती है। ये आपको तीन चार तरफ से कनेक्टिविटी हमने आपको बताई है लोकल कनेक्टिविटी उखलीना विलेज में आने के लिए। तो ये उखलीना विलेज है, यहाँ के मैं आपको ग्राम प्रधान की डिटेल्स आपको बता देता हूँ। मिस्टर मुकेश मौजूदा ग्राम प्रधान है जो कि आपको मैंने बताया रोहटा ब्लॉक में आता है। जितेंद्र सतवाई जी यहाँ के MP विधायक लगते हैं, MLA माफी चाहेंगे। इसके अलावा जो MP है वो डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी हैं। मुकेश जी हमने आपको बताया ग्राम प्रधान है। यहाँ की वोटिंग जो है करीब 1400 के आसपास यहाँ की वोटिंग है। कुल जनसंख्या माना जाता है 2200 से 2400 के आसपास है। उखलीना विलेज अपने आप में काफी व्यवस्थित है। यहाँ मेन स्टार्टिंग पॉइंट पर हम जहाँ पे खड़े हैं ये लैंडमार्क के तौर पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कंक्रीट, तो केवल कंक्रीट मास्टर यानी कि ये सेटरिंग शॉप है। यहाँ पर जो सेटरिंग शॉप के मालिक है वो हमारे साथ है, उनसे हम आपका एक साक्षात्कार करा देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि उखलीना विलेज में हम बने हुए हैं और हम आपको यहाँ पर दिखा रहे थे मेन एंट्री पॉइंट पर ये सेटरिंग शॉप है। हाँ, ये राजेंद्र जी हमारे साथ हैं। हाँ जी। और ये आपको बताएंगे इनकी शॉप्स के विषय में क्या क्या प्रोडक्ट्स इनके पास हैं। आपका नाम और गांव का नाम एक बार दर्शकों को बताइए। मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है, मेरा गांव उखलीना है, रोहटा ब्लॉक में पड़ता है और मेरे यहाँ सेटरिंग की दुकान है, धर्मकांटा लगा हुआ है, रोडी बदलपुर सीमेंट और सेटरिंग का सामान हर चीज अवेलेबल है यहाँ पे। धर्मकांटा भी है हमारे यहाँ पे, धर्मकांटा भी है, डेस्ट भी है, रोडी भी है और जैसे अंदर जाएंगे सेंट्री का लेंटर का सारा अवेलेबल सामान, बल्ली चल्ली जो भी है सब अवेलेबल है और सीमेंट इस रूप में अवेलेबल है। तो ये सारी सेंट्रिंग का सामान इसको बोल देंगे हम जी। नंबर क्या है आपका? 90 12 जी 91 90 91 31। कोई भी दर्शक अगर इसके जानना चाहता है इसके बारे में कॉल कर सकते हैं ना। फर्ज दिखा देते हैं, यहाँ पर भी नंबर लिखा हुआ है 90 12 90 31। दर्शकों अभी राजेंद्र जी अपने गांव के विषय में कुछ जानकारी देने वाले हैं। क्या इस गांव का इतिहास है, इस खेड़े का क्या इतिहास है, उसके विषय में पूरी जानकारी आपको देंगे। राजेंद्र जी बताइए हमारे दर्शकों। ये जो मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है, इस गांव का नाम उखलीना है। ये गांव पहले किसी जमाने में उखड़ा था, जिस टाइम सहस्र बाहु राजा थे और यमदग्ध ऋषि थे जो ब्राह्मण थे, वे यहाँ से सहस्र बाहु फौज फैले के साथ आया और उसकी जो घरवाली थी वह न्यू कहने लगी, रेणुका सहस्र बाहु की घरवाली थी रेणुका, वो यमदग्नि की ऋषि रेणु पति रेणुका, तो वो सहस्र बाहु कह की घरवाली कहने लगी मैं अपनी भाण से मिलकर चलूंगी, यहाँ मेरे जीजा और बहनों ही रहते हैं। तो जीजा जो थे वे बाबा जी थे, कुटिया में रहते थे, तो उन्होंने कहा तो रेणु का कहने लगी मैं अपने जिंजा और महल आ रही है इनका स्वागत करूंगी। स्वागत में वे ऋषि थे, उनके पास कुछ नहीं था, तो उसने यमदग्नि से जो कहा, यमदग्नि से के पास कामधेनु गाय थी, उस कामधेनु गाय ने पूरे फौज फेड़े का स्वागत करा उससे। और जो है जब सहस्र बाहु कहने लगे ये ऋषि है ब्राह्मण है, इसके पास कुटिया में क्या है, मैं इसका भंडारा देखूंगा। ऋषि ने भंडारा, पंडित जी ने ब्राह्मण ने जो है यमदग्नि ने भंडारा नहीं देखने दिया, वो जबरदस्ती उसमें बढ़ गया। महासिख जो है उन्होंने बढ़न जो नहीं दिया था, तो इस वजह से
उसने ऋषि का शिष्टार लिया सहस्र भाऊ। जब सहस्र भाऊ का सहस्र भाऊ ने शिष्टार लिया तो उसने अपने पुत्र परशुराम को याद किया। परशुराम जी तपस्या में थे, वे जब भी अपना फरसा लेकर चल पड़े। उन्होंने उस फरसे से 36 बार क्षत्रियों का संहार किया। संहार करने के बाद में जब राम ने उतार लिया है तो अभी हम उखलीना गांव के अंदर आ गए हैं। आपको उखलीना गांव के अंदर दिखा रहे हैं, पानी की टंकी हमने आपको दिखाई, वाटर टैंक। यहां पर आप देख रहे हैं पक्की सड़कें, उखलीना विलेज में काफी पुराना विलेज है। आप देख रहे हैं खड़ंजे की बेहतरीन व्यवस्था है यहां पर। ये आप देख रहे हैं स्कूल, सरकारी स्कूल, बहुत ही अच्छा व्यवस्था, काफी बड़ा स्कूल है। देखे एक टीचर देखे कुर्सी के ऊपर बैठा है। तो अभी आप उखलीना विलेज की यात्रा कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ही बेहतरीन विलेज। कनेक्टिविटी थोड़ी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा मार्केट से या सिटी एरिया से दूर है, लेकिन फिर भी व्यवस्थाओं के मामले देखिए वाटर टैंक यहाँ पर लगा हुआ, पानी की टंकी इस तरीके से। ये मैं कहूँगा इस चीज में ये वेस्टेज है पानी की, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि जल ही जीवन है। देखिए ये बहुत बड़ी इशू जो कि आज की डेट में हम देख रहे हैं, गांव-गांव में बहुत ज्यादा आवारा पशु हैं जिनकी वजह से फसल खराब होती है, किसानों को काफी दिक्कत है, इनकी व्यवस्थाएं होनी बहुत जरूरी है। उखलीना विलेज, ये उखलीना विलेज का पुराना मंदिर, बहुत ही पुराना मंदिर है, परशुराम जी का खेड़ा ये बोला जाता है, इसी वक्त के सारे मंदिर हैं। उखलीना विलेज यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, बेंचेस वगैरह बहुत अच्छे से लगाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उखलीना विलेज में काफी अच्छी व्यवस्थाएं, यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटरलॉकिंग सड़कें, पानी की व्यवस्था, क्योंकि वाटर टैंक गांव के अंदर बहुत बड़ी व्यवस्था है। देखिए ज्यादातर अमूमन गांव में वाटर टैंक नहीं है, लेकिन यहाँ पर वाटर टैंक की बेहतरीन फैसिलिटी। यहाँ पर जगह जगह देखिए पानी की टंकी, पानी लगातार देखिए वेस्टेज है पर पानी की, ये एक बहुत ही दुख देने वाली बात है। आप यहाँ देख रहे हैं वाटर